लॉकडाउन के दौरान जब शहरों में काम बंद होने के कारण मजदूर गांव की ओर पलायन कर रहे थे, तो तमाम लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा था कि क्या कोरोना के डर के कारण मजदूर घर भाग रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि साधन ना मिलने पर मजदूर पैदल ही घर की ओर निकल लिए थे। उसकी यही वजह थी। मजदूर कहते थे कि कोरोना से मौत का डर नहीं लगता है साहब, डर तो भूख से होने वाली मौत का है। वो गांव भागे क्योंकि गांव में उनके मजदूर भाई मनरेगा योजना के तहत कुछ ना कुछ काम पा रहे थे और अपनी दैनिक जरूरतों का इंतजाम कर पा रहे थे। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसके तहत देश में मजदूरों को निश्चित मजदूरी के साथ साल में 100 दिनों तक काम दिया जाता है। साल 2005 में ये योजना यूपीए सरकार के समय आई थी, जो मौजूदा समय में देश के 644 जिलों में लागू है। इस योजना को लेकर यूपीए के शासनकाल में काफी अनियमितताएं भी दिखी थी, कई सवाल भी उठे थे। केंद्र में सरकार बदली लेकिन इस योजना को जारी रखा गया। और संयोग देखिए कि जब कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते उद्योग धंधे बंद हो गए, काम मिलना बंद हो गया, दिहाड़ी मजदूर सड़कों पर आ गए, तब इसी मनरेगा योजना ने ही गिरते मजदूरों को सहारा दिया। ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को मालूम नहीं होने दिया कि लॉकडाउन के कारण क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। इस साल लॉकडाउन के शुरुआती दो महीनों में यानी मार्च और अप्रैल में ही देश के ग्रामीण इलाकों में 2.63 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत काम दिया गया। इन दो महीनों यानी 60 दिन में हर मजदूर को औसतन 17 दिन काम करने को मिला और हर मजदूर को रोजाना करीब 200 रुपए मेहनताना मिलता रहा, जिससे इनके परिवार के जरूरी खर्च चलते रहे और उन्हें लॉकडाउन की भयावहता का एहसास नहीं हो सका। और इस दौरान इस योजना पर कुल 9,771 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वैसे तो केंद्र की ये योजना पूरे देश भर में लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य रहा जिसने इन 60 दिनों में सबसे अधिक परिवारों को काम दिया और सबसे अधिक मजदूरी भी। उत्तर प्रदेश के 40 लाख से अधिक परिवारों को 14 दिन का काम दिया गया और रोजाना 200 रुपए के करीब मजदूरी मुहैया कराई। इस तरह योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में दो महीनों में इस योजना पर 1,091 करोड़ रुपए खर्च किए। दूसरे नंबर पर राजस्थान रहा, जिसने 23.8 लाख परिवारों को 165 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से औसतन 16 दिन काम दिया और 652 करोड़ रुपए खर्च किए। पश्चिम बंगाल ने भी 23 लाख से अधिक परिवारों को 192 रुपए की दर से 18 दिन काम दिया, यानी काम के दिन भी अधिक रहे और मजदूरी भी ठीक रही। जबकि पश्चिम बंगाल ने इस दौरान कुल 907 करोड़ रुपए खर्च किए। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश और बिहार का रहा। एमपी में 20 करोड़ से अधिक परिवारों को सरकार ने दूसरे राज्यों से अधिक दिन यानी 20 दिन से अधिक काम दिया और करीब 180 रुपए रोज के हिसाब से मजदूरी दी। बिहार सरकार ने भी इस योजना के तहत 15 लाख से अधिक परिवारों को करीब 19 दिन काम दिया, लगभग 193 रुपए मजदूरी के साथ। केंद्र ने 20 दिन पहले ही इस योजना के लिए 40,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी है। इससे पहले बजट में मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ का प्रावधान किया गया था, यानी बजट में करीब 65% की बढ़ोतरी कर दी, जिसका मकसद यही था कि लॉकडाउन के दौरान मजदूर वर्ग को दिक्कत ना हो, क्योंकि शहरी मजदूर भी काम नहीं मिलने पर गाँव लौट रहे थे। उनके लिए भी काम और मजदूरी का जुगाड़ सरकार को ही करना था। अगर इस योजना पर पिछले कुछ साल के आंकड़ों पर नजर डालें, तो हर साल मनरेगा का बजट बढ़ता रहा है। साल 2016-17 की बात करें तो देश के 5.12 करोड़ परिवार को इस योजना के तहत औसतन 46 दिन काम मिला और करीब 161 रुपए मजदूरी मिली। तब इस योजना पर 40,750 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। हर साल इस योजना का दायरा और स्वरूप बढ़ता गया। 2019-20 में 5.48 करोड़ परिवारों को औसतन 182 रुपए प्रतिदिन मजदूरी की दर से 48 दिन काम दिया गया और खर्च आया 48,815 करोड़, जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में सिर्फ दो महीने में ही 2.63 करोड़ परिवारों को 17 दिन से अधिक काम मिला और औसतन 201 रुपए मजदूरी की दर से कुल 9,771 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं।
जबकि इस साल मनरेगा का कुल बजट 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। यानी इस योजना की बुनियाद बेहद नेक सोच के साथ रखी गई थी। तब ये नहीं मालूम था कि ऐसे संकट काल में ये योजना संकट मोचक बनकर उभरेगी। अगर इस योजना की राशि का पूरा हिस्सा ईमानदारी के साथ खर्च किया जाए तो देश के मजदूरों के चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं दिखेंगी। उसे काम की चिंता नहीं होगी और ना ही आने वाले कल के लिए रोटी के जुगाड़ की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।